हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। और मैं आज जा रहा हूँ सेंटोसा, इसलिए सेंटोसा बीच। तो अगर वहाँ पर नहाने का कुछ होगा स्विमिंग के लिए तो मैं वीडियो शूट करूँगा, अदरवाइज नहीं। फिर यूनिवर्सल जाऊँगा, यहाँ से बस लेने वाला हूँ, बस लेके मैं जाऊँगा। तो आपको भी दिखाता हूँ और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं सेंटोसा आइसलैंड। और अभी जो भूख लगी है तो थोड़ा भाई खा लेते हैं। मैकडोनल्ड पीछे ऑर्डर किया है, आता है और लेते हैं और उधर ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी डाइनिंग का पूरी तरह बंद है। तो अंदर चलते हैं और मैं चिकन मील ऑर्डर किया है, खा के घर सेंटोसा आइसलैंड की तरफ चलते हैं। अगर वहाँ पर स्विमिंग अलाउ होगी तो दिखाऊँगा, ऐसे क्राउड नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे पीछे यहाँ पर क्राउड नहीं है। मैं यूनिवर्सल हूँ अभी, अब सेंटोसा आइसलैंड जाऊंगा, उसे ऑर्डर आने वाला है, लेके जाता हूँ। चिकन मिल ले लिया है और कोल्ड ड्रिंक अब पी रहे हैं और चलते हैं बीच की ओर। मुझे लगता शायद बीच बंद है, क्लोज होगा, तो देखते हैं। आ गए हैं इसमें सेंटोसा वर्ल्ड स्टेशन, यहाँ से हम ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन से बीच स्टेशन छोड़ देगी हमें, तो देखते हैं। आइए देखते आगे, अगर भाई वहाँ पे क्राउड होगा तो दे दीजिए सो मच फंड। भाई बीच पे फंड तो होने वाला है, तो देखते हैं। अभी ये आ गई, ये मेरे पीछे जो सेंटोसा एक्सप्रेस, इसी से हम आए। ये आपको यूवो सिटी से मिलेगी, बीच में तीन स्टॉप आएंगे। ये बीच स्टेशन लास्ट स्टॉप है और इसका फर्स्ट स्टेशन वीवो सिटी मॉल है। तो आपको बीच पे आने के लिए इसी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेंटोसा रिसोर्ट से बैठते हो तो आपको फ्री में ले आएगी, अगर वीवो सिटी से बैठते हो तो आपको $4 की समथिंग पे करना पड़ सकता है। तो भाई वहाँ से बस से आ जाओ, फिर फ्लाइट ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं, अभी बीच ओपन है। और यहाँ पर सिंगापुर में एक बात का जरूर ध्यान रखें, अंदर कोल्ड ड्रिंक जूस तुम कुछ भी ले नहीं सकते हो, किसी भी ट्रेन बस LRT MRT कोई भी हो, मेट्रो, आप जूस ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो अंदर, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा फाइन चार्ज करना पड़ सकता है आपको। तो ये सेंटोसा एक्सप्रेस से आए और बीच स्टेशन हम उतर गए हैं, पहुँच गए हैं, अब चलते हैं बीच की ओर। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी राइडें मिल जाएगी और पूरा दिन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा राइडें हैं, लेकिन अभी तो सब बंद है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। देखते स्विमिंग भी अलाउ है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये सभी राइडें भी बंद पड़ी है, कुछ स्काई लाइन और लगभग सभी राइडें बंद है। सैंड बार भी बंद है, ये बिकनी बार भी बंद है, लगभग सब कुछ बंद है। फिर भी हम स्विमिंग करने आए हैं, अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फन होता है, इसलिए हम इन्होंने सब बंद कर दिया है। देखते हैं शायद स्विमिंग आता हुआ है, लोग कर तो रहे हैं। तो स्विमिंग अलाउ है लेकिन क्राउड नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत कम क्राउड है। और ये जैसे बार आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ सब बार है, अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता और बहुत लोग फन करते और एंजॉय लाइफ को एंजॉय करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। बंगी जंप शायद चालू है, लेकिन मैं बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता भाई। और बहुत देख, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत कम पब्लिक है, कोई भी क्राउड नहीं है। और देखते स्विमिंग करते हम भी नॉर्मली, वापस चले जाएंगे।
अभी तो ये बहुत कम लोग दिखेंगे, वो भी कपल आए हुए हैं, बाकी तो कोई ज़्यादा क्राउड नहीं है। भाई जो मिल रहा है तो खा लिया और अब हम, और मेरे पीछे इधर बंगी जंप है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है शायद, ये पता नहीं कितने मीटर है, मुझे नहीं खा लिया, लेकिन रिक्स ही है भाई अपने लिए तो नहीं कर सकता मैं। भाई कोई क्राउड ही नहीं है यार, सिंगापुर या पल बहुत सारे बीच हैं यहाँ पर, तो पता भी नहीं चलता, मैं आया हूँ पहले, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बीच है, लोग नहा रहे, एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा है एरिया, उधर लास्ट तक जाता है तो स्विमिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये बीच है भाई, क्राउड तो बहुत कम है यहाँ पर अभी, तो आइए करते हैं स्विमिंग। स्विमिंग और अब चलते हैं घर की ओर, नहाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉल्टी वाटर था तो डबल से नहाना पड़ेगा, तो अंदर जाते हैं चेंजिंग रूम और नहा के घर निकलते हैं। अब होगा टाइम 6 बजने वाले हैं, 6 o'clock हो गई, टाइम होगा 7 o'clock पर यहाँ पे स्विमिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये लोग जल्दी बंद कर देते हैं, और बीच सिंगापुर आओ तो फिर तो अभी सिचुएशन हालत ख़राब है, तो अभी आना मुश्किल है थोड़ा, तो बढ़िया फन किया और इन्जॉय भी हुआ। अब चलते हैं घर की ओर और अब हम जाते बीच स्टेशन, तो हम आ गए हैं बीच स्टेशन, यहीं से संतोषा एक्सप्रेस मिलेगी या तो बस भी ले सकते हो, इसके जस्ट अपोजिट साइड तो बस जाने के लिए मिल जाएगी, तो ठीक है चलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू।